वेलकम बैक बी3। मैं शिवानी और मैं हूँ प्रीति अंशिका। आप लोग हमारा नाम पूछते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है तो अब सुन लीजिएगा। हाँ, हम तीनों के नाम आपको पता चल गए होंगे। और सो गाइज, आज की वीडियो है राउंड टू हेल्थ की वैलेंटाइंस डे, जो कि अभी आने वाला है। अभी आया नहीं, आने वाला है। उससे पहले हम वीडियो बना रहे हैं, देखते हैं क्या है इस वैलेंटाइन डे में, फिर उसके बाद करेंगे गपशप। स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेरे बस की नहीं। अबे नाजिम, पचरंगल वाले बहुत मार रहे हैं यार। अबे तो तू क्यों टेंशन ले रिया है, तेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही ना है। पर नाजिम, मैं तुझे बताने आया था कि वैलेंटाइन डे मनाने वालों को बजरंग दल वाले कुछ तोड़ रहे हैं। अबे किससे बता रही तू ये? 5 साल से बजरंग दल वालों को धोखा दे रही हूँ मैं, और तू साले तेरे लिए तो वैलेंटाइन डे मना ही नहीं है। चल आज मैं तुझे दिखाता हूँ कैसा धोखा देता हूँ पचरंग दल वालों को। प्लान देखेगा ना मेरा वसीम, देख मुझे जाना है गंडियाल होटल है ना, लोंडिया से मिलने। तो मैं करता हूँ, मैं लेता हूँ लॉन्ग कट, यहाँ से जाऊंगा मैं तिहरी से। सही है, हम शॉर्टकट क्यों नहीं ले सकते? शॉर्टकट नहीं ले सकते? पिछले साल इन दोनों ने शॉर्टकट लिया था, बहुत ही मारा पचरंग दल वालों ने। तो वसीम, इसलिए हम शॉर्टकट से नहीं जा सकते। तो मैं क्या करता हूँ, तू ये देख पहले। अबे ये क्या है? अबे ये है नासा की दिवाली वाली पिक इंडिया की, पिछले 5 साल से एक सी आ रही है। वैसे देख इसमें ये काला हिस्सा है ना, अगर मेरे पीछे पचरंग दल वाले यहाँ पे पड़ गए तो मैं क्या करता हूँ, ये काले हिस्से में छुप सकता हूँ। तो अभी वसीम ये है देख मेरा पूरा प्लान भाई, 14 फरवरी को पचरंग दल मेरे पीछे, मैं पचरंग दल के पीछे। बताना नहीं है किसी को? नहीं यार, कैसी बातें कर रही है, मैं नहीं बताऊंगा। मेरे अलावा नहीं बता किसी को? बीबी जी, पचरंग दल में शामिल होने के लिए पूर्णतः तैयार हैं? हाँ मैं तैयार हूँ। ठीक है बीबी जी। बीबी जी, पचरंग दल में शामिल होने के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। उनमें से पहला नियम यह है कि तुमने कभी जिंदगी में 10 से ज्यादा ब्रेकअप करवाए हैं? नहीं। जिंदगी में कभी गर्लफ्रेंड बनी है? हाँ। कपल को देख के गुस्सा आता है? नहीं। फाइन ले लो इनसे 100 रुपए का। सर मुझे पचरंग दल में ले लो। बैठ जा। पचरंग दल में शामिल हो ना, हाथ दिखाओ। बेटा हाथ तो बतेरा पतला तेरा, क्या साल से वैलेंटाइन डे पे हाथ से काम चला रिया? बेटा हाथ पतला होना तो एक अच्छी निशानी है पचरंग दल में शामिल होने के लिए, पर इससे काम नहीं चलेगा। तुमने अपनी जिंदगी में ना तो कम से कम 10 ब्रेकअप करवाए, ना तुम्हें कपल्स को देख के गुस्सा आता है। बीबी जी, गांड के हिसाब से तैयार करिए डंडा। और बेटे ना तुम्हारे पास रिश्वत है अपनी कमियां छुपाने के लिए, तो बेटे ऐसी कोई खूबी बताओ ना जिससे हम तुम्हें शामिल कर ले। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। गुरुजी, ये तो आपके लिए स्पेशल कोटा वाला फॉर्म। आपने इतनी परेशानी क्यों उठाई गुरुजी, पहले बता दें आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, स्पेशल कोटा मिलता है इन्हें। और मैकेनिकल इंजीनियर्स की तो डायरेक्ट भर्ती है पचरंग दल में, ऊपर से 63% का मुआवजा है। आप पचरंग दल में शामिल हुए बैच नंबर 371। काम आपके मुख्य काम गार्डन्स पार्कों में जाकर कपल्स पे लट तोड़ना। जिंदगी भर ब्रेकअप करवाओगे, लौंडिया की तरफ देखोगे तक नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाओगे। पचरंग दल की जय। पचरंग दल की जय। मुख्य काम कमर से लेके गांड तक लट कूटोगे। नए शामिल हुए कल को अच्छा प्रदर्शन करोगे लट कूटने में, तो अगले साल साउथ अफ्रीका प्रमोशन किया जाएगा। बीवी जी, किसी को ला रही है? अरे आप ही उठा लीजिए। बाबू, बीबी जी आपने हमारा अपमान किया इस घर में बुलाकर। जिस घर में बाबू सोना बेबी बसते हैं, उस घर का पचरंग दल पानी तक नहीं पीता। इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो? हाँ बाबू, खाना खा लिया बाबू ने? हाँ बाबू जी, खाना खा लिया बाबू जी तुमने? ठीक है बाबू जी, ना रिचार्ज कर दूंगा बाबू जी, भड़क क्यों रही हो? ठीक है चलो प्रणाम। भड़क क्यों रही हो बाबू जी? अबे तू। हाँ मैं, ऊपर को देख। ऊपर को क्यों देखूं? फ्लैशबैक में कैसे जाएगा?
नाजिम यार सुन ले हमारी भी, हर वक्त लोंडिया बाजी लोंडिया। एक मिनट इसका रख के हमारी बात सुन ले, मुझे देना कल को रोज डे है, रोज देना यार मुझे। मैं तेरे बस की ना है, बच्चों का खेल समझ रहा है, रोज डे रोज डे वैलेंटाइन डे मनाएगा रोज ना दे सकता, कंचे खेल जाके कंचे खेल। नाजिम मैं बता रही हूँ रोज ही दूंगा, रोज दूंगा, रोज ही दूंगा, रोज ही दूंगा 2 घंटे पढ़ाई को, तू दे मत दे। तू मत दे 2 घंटे पढ़ाई को। मैंने कही थी ना कि लौंडियाबाजी तेरे बस के काम नहीं है, तू कुछ और ही काम ढूंढ ले। तो ये काम ढूंढ लिया मैंने। वैसे बीबी जी हम वैलेंटाइन डे तक यही विश्राम करेंगे हम आपके घर पे। सर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि आप कपल को पहचानते कैसे हैं, सिंगल है या डबल है? बहुत ही आसान है, लोंडे के बाल खड़े होंगे, लोंडे का कॉलर खड़ा होगा, लोंडे का खड़ा होगा। वैसे 14 फरवरी को खड़ा भी रहता है। इससे ही तो पहचाने हम, पिछले साल 200 से ज्यादा इससे ही पकड़े गए। हेलो जी। हेलो सर, मैं लोड़ा फोन से चंपा। लड़की से बात करता है। कस्टमर कह रहे बीबी जी है तो लड़की माता जाए। यार ये पचरंगी दल वाले तो घर से निकलने का नाम ही ना ले रहे, क्या करूं मैं, मुझे तो कल अपनी सेटिंग से भी मिलना है। आइडिया पचरंग दल में हो? हाँ। लग नहीं रहा बिल्कुल भी गुस्सा ही नहीं है चेहरे पे, ऐसा थोड़े होते हैं पचरंग दल वाले, ऐसा लग रहा है चार मरे हुए कुत्ते बैठे हो। इसे गुस्सा कहते हो इसे? अबे इससे ज्यादा गुस्सा मेरा कुत्ता कर ले। ये गुस्सा बता रहे हैं, ये डंडे ले रखे डांडिया खेलो इनसे, तुम्हारे बस की नहीं है कपल को मारना, बाहर धल्ले से घूम रहे हैं कितने। ये क्या कर रहा तुम्हारा इमरान, ये देखो तुझे सुबह इमरान सुबह तक प्यार करेगा तो रात कम रह गई थी। पहले नंबर पे आता है तू, पहले नंबर पे साले देश के विरुद्ध बजरंग दल के विरुद्ध संस्कृति खराब करता है इमरान। 14 फरवरी मुख्य परीक्षा, बाहर बस घूम रहे होंगे और ये सो रहे हैं नलायक, उठो। पेज नंबर 371 देख के बीबी जी के लौंडे को कहां है वो तो घर पे है नहीं, मुझे पता है वो कहां मिलेगा। मेरी जान ये पार्क देख रही हो तुम, कितना बड़ा पार्क है, किसी भी कोने में संस्कृति होता है, संस्कृति खराब होती है, सूत्री निकल जाए से। और मारा रे भोफड़ी को। अबे ये प्लान तो किसी को पता ही नहीं था, किसने बताया? अबे तू। हाँ मैं, तूने बोला था ना कि तेरे लिए वैलेंटाइन डे नहीं बना, तो तेरे लिए साग रोटी नहीं बना। ये तो कुछ मैच ना हुआ। अब हुआ मैच। हाँ मिल गया वो। क्या था स्क्रिप्ट में? हाँ तूने बोला था ना तेरे लिए वैलेंटाइन डे नहीं बना, तो तेरे लिए कैसे बन जाता? पचरंग दल वो लड़की मेरी बहन थी, बाजी थी मेरी, कसम से मैं कसम खा रही हूँ। हम कैसे मान ले? कैसे मान ले? मैं बीबी जी की कसम खा रही हूँ, यहीं मर जाएंगे जिंदे अगर मैं झूठ बोल रही हूँ। मर गए बीबी जी। ओ भाई अब मिल गए हो वैलेंटाइन डे पे। सब मतलब मेरे समझ नहीं आता कि वैलेंटाइन डे पे ही इतना क्यों सेलिब्रेशन का बनाया जाता है, जबकि
बाहर कंट्रीज का होता है ये, एक तरह से देखा जाए तो सेलिब्रेशन बाहर कंट्रीज में होता है, बट इंडिया में भी इसका ट्रेंड चलता है. और बजरंग दल वाले हर जगह घूमते हैं, ये है हकीकत. लेकिन ये हर किसी की पर्सनल चॉइस है यार, वो करना हाँ. चाह रहा है सेलिब्रेट, नहीं करना चाह रहा है. किसी को जबरदस्ती तो नहीं रोक सकते ना. हाँ, पर ये भी है कि जिसको है एंजॉय करने को वो एंजॉय करेगा, और वी आर फ्री टू एंजॉय ना. तो पर ये मतलब ये सोचो कि और दिन छोड़, बजरंग दल वाले भी और दिन छोड़ देते हैं घूमो, और उस दिन बजरंग दल में से ना बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो खुद भी घूमते होंगे, बाद में टीका लगा के आ जाते होंगे. हाँ, वो ना मतलब ये कि अपनी इंडिया की वो है कि हमारा नहीं है तो क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो कुछ. हाँ, ऐसे तो बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, क्रिसमस क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं. तो ऐसे तो सारे फेस्टिवल्स हैं जो मतलब इंडिया में, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ हर फ्री है कि कोई भी कुछ भी सेलिब्रेट कर सकता है. हाँ, और सारे रिलीजन इधर मिलते हैं और क्या. तो मतलब ये तो पहचान है, सबसे बेस्ट है हमारा. तो और ऑब्वियसली, और तभी हम सारे सेलिब्रेट करते हैं त्योहार को. बट ये एक अलग ही है कि बजरंग दल वाले सब जगह आ जाते हैं, और इसमें भी वो बस उसी के पीछे पड़े रहे, और कोई और नहीं. हाँ, वही थे ना, उसके फ्रेंड ही थे वो. हाँ, जिसको उसने डिमोटिवेट किया, और लास्ट में जब वो उसके मतलब से हाथ धोते हैं, और वो कसम खाते हैं बीवी जी की कसम, और बीवी जी बीवी जी से चले जाते हैं. सच. तो गाइज, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं. और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और तब तक रखें अपना ख्याल. बाय बाय.